सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए हम हैं इस टाइम बस अड्डे भैया एरोप्लेन की हम थोड़ी वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए तो मेरे अजीजों, हम इस टाइम हैं, ये है सराय काले खां का बस अड्डा। यहाँ से हमें बस मिलेगी श्री गंगानगर के लिए डायरेक्ट, जहाँ पर सियाब भाई रुके हुए हैं इस टाइम। तो इंशाल्लाह ताला हम अब अपनी बस में बैठने के लिए जा रहे हैं। उसको मैंने अभी आपको बस अड्डा दिखाया था, वो अड्डा था, कौन सा अड्डा था वसीम भाई? वो सराय काले खां। हाँ, सराय काले खां का बस अड्डा था वो। वहाँ पता लगा कि वहाँ पर हमें कोई भी बस नहीं मिलेगी राजस्थान के लिए, मिलेगी लेकिन जयपुर तो जा रही थी, उसके बाद में हमें जाना था श्री गंगानगर। हम जो आए थे अभी कश्मीरी गेट बस अड्डे से आए थे वापसी यहाँ को सराय काले खां पे, लेकिन अब यहाँ से फिर हम वापसी यानी कि कश्मीरी गेट को जा रहे हैं, और वहाँ से आपको 9 बजे हमें बस मिलेगी जो फजर के टाइम तक हमें श्री गंगानगर छोड़ देगी। तो आप हमारे लिए दुआ करें कि हम सुबह फजर तक श्री गंगानगर पहुँच जाएं, जो राजस्थान में लगता है, जहाँ पर सियाब भाई अभी रुके हुए हैं। सियाब भाई राजस्थान के श्री गंगानगर में है और गंगानगर के खेरवाड़ा गांव में रुके हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे सुबह फजर तक और आगे की लोकेशन देखेंगे, सियाब भाई हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो इंशाल्लाह चैनल पर बने रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, हम जो है सुबह के चले हुए हैं घर से, और चलने के बाद में के लिए ही जा रहे हैं इतनी दूर, यानी 1100 किलोमीटर के आसपास हम अपना सफर तय करना है हमें। तो आज हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में हमें काफी परेशानी पड़ गई, थोड़ी सी परेशानी ज्यादा भी नहीं पड़ी, मतलब ये है कि पहले हम पहुंचे थे कश्मीरी गेट बस अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था पिछली वीडियो में कि सियाब भाई से मिलने के लिए हम जा रहे हैं, तो उसमें जो है ट्रेन के हमारे जो हमने टिकट करवाए थे ट्रेन के, वो कैंसिल हो गए थे, ट्रेन कोई भी नहीं थी, इसलिए हम जो है बस का हमने फैसला किया चलो बस से चलें, क्योंकि जाना तो था ही, आप लोगों से वादा कर लिया था हमने उससे, क्या जाना तो आप लोगों को दिखाना है, सियाब भाई को लाइव दिखाना है। तो इंशाल्लाह ताला वसीम भाई मेरे साथ हैं जिस टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है मेरे दोस्तों कि अगर आप लोग हमारी लोकेशन देखते हैं तो आप देते रहें आगे तक के लिए, इंशाल्लाह आपको जो है हम लाइव लोकेशन दिखाएंगे सियाब भाई की। पर एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहता हूँ कि अभी हम दिल्ली में ही हैं और यहाँ पर हमने बस के टिकट करा लिए हैं, एसी वाली बस बता रहे थे, पता ना कौन सी है। बहरहाल दोनों कश्मीरी गेट बस अड्डा और एक बस अड्डा हो रहा है सराय काले खां, पहले कश्मीरी गेट बस अड्डा पाए उसके बाद में फिर सराय काले खां गए, सराय काले खां से हम फिर वापसी कश्मीरी गेट बस अड्डा आए हैं, और कश्मीरी गेट बस अड्डा पे ही हमें जो लोकल बस है उससे जाना पड़ रहा है, यानी कि जो महंगी पैसे ज्यादा है। अब देखते हैं बस आती है कैसी कंडीशन है, इंशाल्लाह जा रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी जो इस टाइम तकरीबन शाम के जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 7:16 हो रहे हैं और मैं इस वीडियो को इस टाइम शूट कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए ही इतनी दूर जा रहा हूँ। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह फजर के टाइम का, टाइम बताया भाई ने कि फजर के टाइम तक आप जो है श्री गंगानगर पहुंच जाएंगे हम इंशाल्लाह, और श्री गंगानगर के खेरवाड़ा एक गांव है खेरवाड़ा, जहाँ पे सियाब भाई भी रुके हुए हैं, तो वहाँ इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे, गफ्फार भाई से, एक गफ्फार ब्लॉग के नाम से चैनल है हमारे भाई का, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि अभी सियाब भाई श्री गंगानगर के खेरवाड़ा में रुके हुए हैं, और हम पहले गंगानगर जाएंगे, वहां से ऑटो पकड़ेंगे इंशाल्लाह, सुबह को ऑटो पकड़ने के बाद फिर सीधे खेरवाड़ा सियाब भाई के पास पहुंचेंगे। अगर सियाब भाई खेरवाड़ा से निकलते हैं, यानी कि लोकेशन के हिसाब से अगर वहां से निकलते हैं तो उसका हमें पता चल जाएगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह सुबह को हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं सियाब भाई को, आप जो है बने रहे, और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाए, इंशाल्लाह हम आपको पूरी लोकेशन इंशाल्लाह सच्ची और अच्छी देंगे। कुछ भाइयों ने तो पहले उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया, पाकिस्तान पहुंच गए ऐसे है, और बहुत सारी गलत न्यूज फैला रखी है यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं है, आप लोग बखूबी हमारे चैनल से देखते रहते होंगे, जो भी हम अपडेट देते हैं वो सच्ची देते हैं, और आपको कलाम भी इंशाल्लाह ताला हम सुनाते रहते हैं। तो सुबह को फजर के बाद में आपको कलाम भी सुनाएंगे और लाइव आपको अपडेट सियाब भाई की देंगे। तो चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, अल्लाह हाफिज़। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजरी।